तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे गॉब्लिन नाइन ए इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, जिस सीरीज का नाम है रश टू फिक्स। तो अगर आप इसी तरीके से और सीओसी की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं और सीओसी की टिप्स और स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटे को बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम दो करेंगे गॉब्लिन नाइन, और इसमें मैंने स्पेल कुछ भी लेके रखा हो क्योंकि स्पेल मैं यूज़ नहीं करता, कभी कभी यूज़ कर देता, इस वजह से जंप स्पेल रखा हो। और फ्री स्पेल तो पता है, फ्री स्पेल एक हो गया जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट स्पेल हो गया। अब फ्री स्पेल पहले पॉइजन या स्केलेटन था, लेकिन आप फ्री स्पेल लेके जाता हो। तो चलो हम करेंगे दो अटैक्स। तो जैसे मुझे कुछ अच्छा बेस मिलता मैं मिलता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मिल गया है 6K, यहाँ पे इलिक्सर है 600K और लगभग 450K यहाँ पे गोल्ड है। तो इस पे बेस पे ज़रूर मैं अटैक करूँगा, लेकिन मेरे पास वॉल ब्रेकर नहीं है, लेकिन फिर भी करूँगा। तो पहले इसको फोड़ देते हैं, इसको फोड़ देते हैं, तो जल्दी बढ़ जाएंगे लेवल 1 के। इधर से गोल्ड ले लूँगा जिससे मेरे को हो जाएगा, इधर से इलिक्सर ले लूँगा। तो सबसे पहले मेरा यही होगा, इसी साइड से करना है। इसमें इस स्ट्रैटेजी की मुझे अच्छी बात लगती है कि अगर आपके ट्रूप बचे भी हो गए तो भी वो अगले में ऐड हो जाएंगे, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इसमें इतनी लूट मिली अगले में नहीं मिली, इसमें इतने ट्रूप के लिए तो वेस्ट जाएंगे, वैसा कुछ है ही नहीं। इसमें आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वेस्ट करो। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है स्ट्रैटेजी। तो जाओ 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 जाओ, गॉब्लिन गॉब्लिन मारो उसको, उसको फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो, उधर फोड़ दो, नहीं फोड़े यार उसकी लिख, उधर को फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो यार, फिर फ्री स्पेल डालना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ से अब मेरे को फोल्ड टोकने को उतना मिल गया, लेकिन लिजर थी यहाँ पे पहले लग गए, और थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जंप डालेंगे और उसी के साथ यहाँ से खोलेंगे, वो लिजर चाहिए उसी के साथ हमको यहाँ पे दूसरा जंप करके कुछ करेंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ये जाने वाले हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है हीरोज के कुछ काम नहीं इधर, हीरो का हम बिलू करेंगे नहीं उसको, लेकिन अब यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो ज़्यादा तो गोल्ड तो हमें बहुत सारा मिल गया और अच्छा खासा मिल गया, इलेक्सर भी मिल गया लगभग। तो एंड कर देते हैं यहाँ पे, ये 11 से कहीं छोड़ दूंगी, सर छोड़ दूंगा 11 को, इसे इधर डाल दो, देखते क्या कर सकते हैं 11। तो कुछ नहीं कर पाया, आखिरी अटैक में कुछ कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे काफ़ी अच्छी मेरे को मिला, 4 लाख का सोच रहा था और मिल गया 382 गोल्ड। और इस आर्मी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको इसमें ट्रॉफी चले जाती है। तो मैं कहाँ का था और कहाँ पे आ गया, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ घेंगे नहीं आपको इस पर। ये देखिए कंटिन्यूसली डिमोटी हो रहा हूँ मैं कब से, और यही चल रहा है मेरे साथ। तो चलिए मैं मिलता आपको एक अच्छा ऐसे ही बेस ढूंढने के बाद। तो ये मुझे लगभग 5-6 मिनट के बाद मिला है, और उतना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शायद मैं ड्रॉप करते करते बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप कर चुका हूँ, और मेरे पास अभी सेवा कुछ नहीं, पूरा का पूरा डेढ़ बेस है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि गॉब्लिन नाइन को आपको डेढ़ बेसेस ही ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप स्टोरेज पे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, लूट भी नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप th10 जैसे मेरा है तो इन्फर्नो का ढहन रखें, हो सके तो डेढ़ बेसेस ढूंढे, लेकिन अगर इन्फर्नो चल रहा है तो सिंगल टारगेट के रखो, कि मल्टी टारगेट रहे तो वो गॉब्लिन को मार डालेंगे यार, उनकी कोई रहम नहीं करेगा फिर। तो पहले गोल्ड लूँगा, तो यहाँ पे ये फोड़ सकते का देखते पहले, नहीं फोड़े तो उसने कहा सही रहा है, तो यहाँ पे हीरो भी है, तो हीरो कहाँ से खेलूँगा, तो इधर से हीरो छोड़ दूंगा, इधर से गॉब्लिन छोड़ूंगा फिर। तो चलो चलो चलो, गो गॉब्लिन गो, गॉब्लिन वॉल तोड़ दो, दो सौ के रफ्तार गॉब्लिन की, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे फ्री स्पेल डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे लगभग 80 गॉब्लिन चले गए, क्या करेंगे यहाँ पे, फ्री स्पेल डालना
मेरे छोड़े गॉब्लिन गो गॉब्लिन गो 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 रुको भाई यहाँ पे मेरे को लूट मिली नहीं है अभी तो यहाँ पे कुछ ही बचे हैं तो इधर के तो मैं हीरो ये तो वो अपने काम कर रहे हैं और इधर मेरे को कुछ भी भूख नहीं रखना पड़ेगा यहाँ पे गई तीन सी एबिलिटी कहाँ से है ऐसा करके यहाँ पे ये तीस पे आ गया और यहाँ से अब थोड़ा बहुत गॉब्लिन छोड़ूंगा जिससे कि थोड़ा मुझे इच्छा ही देते क्योंकि मेरे बोर्ड से बचे हुए भाई और जहाँ जहाँ जरा जंप खेल की एंडिंग होने वाली है जहाँ जल्दी थोड़ा बहुत मिली यहाँ से थोड़ा बहुत ले 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 भाई ले 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 यहाँ पे भी किसको ये बेस भाई इतना कॉम्पैक्ट होने के बावजूद मैं इससे ज़्यादा नहीं पाया ये देखने वाली बात है कि बेस काफ़ी तगड़ा था वो इसे देखने को मुझे इतना मिला नहीं तो किसी भाई मुझे कोई तो कुछ भी नहीं मिला टू के भी नहीं मिला तो क्या मिल तो नहीं मिलता लिंजर के पीछे ज़्यादा भाग गया उनका लिंजर तो मिल गया लेकिन गोल कुछ नहीं मिला और इस वजह से मुझे प्रॉब्लम लग रहा है और मुझे अब इस लीग में भी नहीं रहना क्योंकि मुझे इसमें रूट में भी नहीं मिली तो शायद मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा उसके बाद भी Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't need my soul, you can't get to me. So, ये रहा अपना पहला प्ले, इसलिए का कैनन 3-2-1 इर्गो. या वो चार बिल्डर लगे हुए हैं, तो हम करेंगे बिल्डर पोशन यूज. सबको पता है ये सेम कर लेगा मतलब कि एक घंटे काम 10 घंटे काम 1 घंटे में कर लेगा उसके बाद हम लुनिया तो होप यू गाइस आपको अच्छी वीडियो लगी होगी अगर लगी हो तो प्लीज लाइक मारो एम करते हैं 5 लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इसी तरीके से टिप्स और स्ट्रेटेजिक वीडियो चाहिए तो प्लीज जाओ यार उस लाल बटन को क्लिक करो उस घंटे का दबाओ ताकि आपको मिल पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन तो मैं मिलता आपको अगले वीडियो तब तक के लिए बाय The flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay.